सो बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल अ सिचुएशन. लेट से आप एक नई सिटी में मूव करें एंड नाउ बिकॉज ये सिटी बिल्कुल अननोन है और आप थोड़े डरे हुए हो, तो आपने अपने लिए छोटा सा कमरा बनाया. सब कुछ सही था, एक दो दिन आप वहाँ पे आराम से सोए, लेकिन देन यू रियलाइज कि जो ये कमरा है बहुत छोटा हो गया है, इसमें आप ढंग से मूव भी नहीं कर सकते और आपके हाथ खुल के ऊपर भी नहीं आ रहे. टू टैकल दिस सिचुएशन आपने अपने दीवार और अपने बीच में जगह थोड़ी बढ़ाई, आपने दोबारा वो कमरा बनाया और इस बार आपने सफिशिएंट स्पेस रखी. नाउ कुछ दिन आप खुश थे, लेकिन तभी आपको रियलाइज हुआ कि आपके पड़ोस में चोर आ गए हैं और नाउ आपके पास जो वैल्यूबल स्टफ है जो आपने इतने टाइम पे जमा कराया इस नई लोकेशन पे, आपको उनको लेकर थोड़ा डर हो गया है. नाउ इस चीज़ को टैकल करने के लिए, क्योंकि दीवार आपके इस टाइम पे कमजोर है, आपने सोचा क्यों ना मैं अपनी दीवार मोटी कर दूं. आपने अपनी दीवार को डबल कर दिया, दीवार की मोटाई आपने डबल कर दी. नाउ इस चीज़ से आपके नाउ जो चोर है वो आपकी दीवार तोड़ के अंदर नहीं आ सकता और आपका सामान भी सेफ है और आप भी सेफ हो. बट देन कुछ टाइम बाद आपके पड़ोस में एक नया आदमी आता है जो बहुत शैतान है, जिसको गिटार बजाने का बहुत शौक है. एंड नाउ इसको बहुत मज़ा आता है आपको परेशान करने में. ये रोज़ गिटार बजाता है और आपके कान ख़राब होते हैं और नाउ आप फिर से दुखी हो गए हो. नाउ इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपने थोड़ी और ज़मीन खरीदी अपने पास में ही, एक बहुत बड़ा एरिया आपने लिया, उसके अंदर काफ़ी जगह छोड़ी और फिर अपना कमरा खड़ा करा. और नाउ इस कमरे में आपने दीवार बनाई मोटी ताकि कोई चोर ना आ सके. और नाउ उस कमरे के अंदर सफिशिएंट स्पेस थी जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते थे, आप खुशी खुशी यहाँ पे रह सकते थे. नाउ इस पूरी सिचुएशन को बताने का मतलब क्या था, क्योंकि यही आज का टॉपिक है. हे सो गाइस, इट्स मुकेश जोशी एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट बॉक्स मॉडल. नाउ इस पूरी सिचुएशन में मैं थोड़ा ब्रीफ दे दूँ कि जो आपके और दीवार के बीच में जगह थी इसको हम कहते हैं पैडिंग. नाउ जो दीवार है इसकी जो मोटाई है इस दीवार को हम कहते हैं पाउडर. और जो ये सफिशिएंट स्पेस आपने छोड़ी थी ताकि कोई और आपके स्पेस पे ना पाए और एक स्पेसिफिक दूरी बनी रहे, इसको हम बोलते हैं मार्जिन. तो हम मार्जिन के ऊपर बात करेंगे, हम पैडिंग के ऊपर बात करेंगे एंड देन हम बात करेंगे बॉर्डर के ऊपर. सो लेट्स जस्ट जंप टू द कोड. सो ये वीडियो चौथी वीडियो मेरी CSS बेसिक सीरीज़ की, तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक दैट पूरी होल प्लेलिस्ट. बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आएगी. और अगर आपको वेब डेवलपमेंट इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई एम गोइंग टू पोस्ट मोर एंड मोर वीडियो जस्ट लाइक दीज वंस. सो मैंने कोड पेन खोल रखा है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक पेन बनाया है बॉक्स मॉडल के नाम पे. एंड लेट सी जो हमारा मैंने भी सिचुएशन एक आपको समझाई थी कि ये उस तरीके से किस तरीके से काम करती है रियल लाइफ में. तो मैं एक डिव बनाता हूँ, इसका नाम देता हूँ, इसके अंदर इस डिव के अंदर रहता है ए. और लेट्स कंसीडर कि हर डिव खुद में एक घर है, ये खुद में एक रूम है. नाउ मैं डिव को थोड़ी CSS दे देता हूँ. नाउ ईच ऑफ देम लाइक, क्योंकि तीनों ईच इंडिविजुअल है और तीनों अपने कमरे में अलग अलग कलर चाहते हैं, तो इन्होंने एक पेंटर को हायर करा एंड तीनों ने अपने कमरे में अलग अलग पेंट कराया. अब क्योंकि मुझे पेंट करना है तो पेंटर ने अलग अलग बाल्टी खरीदी और बिल कटा है ABC के नाम से. सो आई विल जस्ट रिमूव द वाइट स्पेसिंग. तो तीन लोग, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ. सो तीन लोग रहते हैं घर में, अलग अलग रूम है तीनों के. तीनों ने अपने कमरे में ब्लू पेंट अपने स्पेसिफिक पेंट कराया. बट नाउ इनको रियलाइज़ हुआ कि इनके बीच में कोई प्राइवेसी नहीं है, इनको प्राइवेसी चाहिए. प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के लिए. तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दीवारें खड़ी करें एक दूसरे के बीच में, अपने कमरे को आइसोलेट कर लें. उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं बॉर्डर. इन्होंने एक पिक्सल की ब्लैक कलर की दीवार खड़ी कर दी. ना कुछ टाइम सही था, लेकिन गर्मियों का सीज़न आया और इनको बहुत गर्मी लगने लगी. अब इन्होंने कहा कि यार पंखा लगाने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हो कि तीनों ही कमरे में सिर्फ उतनी जगह जितने ये लोग आ सकते हैं, इनके पास पंखा लगाने की जगह नहीं है. तो नाउ अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना कमरे को तोड़ के दोबारा बनाया जाए एंड इस बार सफिशिएंट स्पेस रखें ताकि हमारा सामान भी आ जाए, पंखा भी लग जाए और हम घूमने की थोड़ी जगह बन जाए. तो इन्होंने ऐड करी पैडिंग. नाउ दे हैव सफिशिएंट स्पेस इन देयर रूम. बट कुछ टाइम बाद इनके पंखे से काम नहीं चला और इनको रियलाइज हो गया यार हमें तो खिड़की चाहिए कमरे में, उजाला ही नहीं आता है, सर्दियों का सीज़न आएगा. तीनों के ऑलमोस्ट दो के पास तो तीन दीवारें बिल्कुल ब्लॉक है, यानी कि सामने से जो उनकी एंट्री है वहीं से थोड़ा बहुत उजाला आ सकता है. मे बी सी के पास हो, लेकिन अगर और लोग होते तो सी के पास भी नहीं होता. बट अब इन्हें चाहिए, इनको अपनी हर दीवार पर इनको अपने कुछ ना कुछ करना है, खिड़की बनानी है, बड़ी खिड़की बनानी है, दरवाज़ा बनाना है. हाउ टू डू इट. सो नाउ इन्होंने फिर चीज़ तोड़ी और इस बार इन्होंने एक मार्जिन सेट किया. सो नाउ एज यू कैन सी
सबके पास सफिशिएंट स्पेस है, सबके पास घर के अंदर भी सफिशिएंट स्पेस है, सबके पास घर के बाहर भी सफिशिएंट स्पेस है, और सबके पास एक दीवार है जो इनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रही है। ना हो अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो कि मुझे अपनी दीवार, मतलब अगर इनको दीवार मोटी करनी होगी तो ये अपनी दीवार मोटी कर सकते हैं, अगर इनको अपने कमरे की स्पेस बढ़ानी घटानी हो तो ये वो भी कर सकते हैं, और अगर इनको घर के बाहर की दीवार की जो इनकी स्पेस है अगर इन्हें वो एडजस्ट करनी हो तो ये वो भी कर सकते हैं। नाउ इसको अब देखते हैं कि ये हमारा कंसोल इसे किस तरीके से दिखाता है। व्हेन यू स्क्रॉल डाउन इन दिस स्टाइल सेक्शन यू विल सी देयर इज अ बॉक्स, सो नाउ आई विल जस्ट सिलेक्ट वन पर्टिकुलर एलिमेंट सो दैट वी कैन सी। तो नाउ यहाँ पे देख सकते हैं जो डार्क ब्राउन कलर का जो कलर है वो है मार्जिन। सो अगर मैं इसे माउस ओवर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड पे जो हाईलाइट हो रहा है ये है मार्जिन ए का, ए के रूम को जो मार्जिन हमने दिया है। देन अगर मैं बॉर्डर पे आता था, एज यू कैन सी द हाईलाइटेड एरिया इज़ द बॉर्डर। देन अगर मैं पैडिंग में आता हूँ तो पैडिंग यू कैन सी द हाईलाइटेड एरिया इज़ द पैडिंग एंड देन द एक्चुअल कॉन्टेंट। सो लाइक देर आर फोर एलिमेंट्स, किसी बॉक्स में फोर एलिमेंट होते हैं, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग। नाउ इनको बताया गया जो इन्होंने जब इन्होंने कमरा खरीदा था, जिन्होंने घर खरीदा था बिल्डर से, तो इनको बताया गया कि जो इनके पास कारपेट एरिया है वो 100x100 है, यानी कि जो आपके कमरे का घर का साइज है वो 100x100। क्या ये सच्चाई है? इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जब कोई आपको साइज बताते हैं तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब वो बॉर्डर उस साइज के अंदर इंक्लूडेड है या नहीं है, या फिर उस साइज के अंदर सिर्फ मतलब जो कारपेट एरिया जिसमें जो मेन एरिया है सिर्फ वो साइज इंक्लूड है। बहुत बड़ी सिचुएशन ऐसी होगी आपको सीएसएस में, आपको इस तरीके से बॉक्स डिजाइन करना पड़ेगा कि आपको आप चाहते हो कि जो आप साइज स्पेसिफाई करो बॉर्डर भी उसके अंदर ही काउंट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ जो 6 पिक्सल का चारों तरफ बॉर्डर एड होगा ये 100x100 के अंदर ही काउंट हो, तो उस सिचुएशन के लिए हम एक लाइन एड करते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर साइज। तो इसके बाद क्या होता है, अगर दोबारा मेरा बॉक्स मॉडल देखो तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा कंटेंट है वो 64x64 का ही रह गया है। पैडिंग मेरी 12x12 की है, मतलब 12x12 चारों डायरेक्शन पे, एंड देन मेरी जो बॉर्डर है वो 6 की है। अब सपोज बिल्डर ने मुझे बोला था कि आपको 100x100 का एरिया मिलेगा, लेकिन इन रियलिटी मुझे कितना मिला है, 64x64। सो एक्चुअली नॉट 64x64 क्योंकि पैडिंग में मैंने छोड़ी है। तो नाउ अगर मैं इस बॉक्स साइजिंग वाली लाइन को हटा दूं एंड अगर मैं अब देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अब अगर मैं बॉक्स साइजिंग एक्चुअली हटाना नहीं है, इसको मैं कंटेंट बॉक्स लिख दूं क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी जो बाय डिफॉल्ट रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा रूम है अब जो साइज यहाँ पे स्पेसिफाइड है ये साइज बॉर्डर से हटके है, पैडिंग से हटके है। तो नाउ जो साइज है ये है मेरा 100x100, यानी कि ये 100x100 की पूरी स्पेस मुझे मिलेगी बजाय ये 100x100 से कटे पैडिंग एंड बॉर्डर। सो एक डिफरेंस है बॉक्स साइजिंग का। एक बॉक्स साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब आपको लगता है कि आपके पास बहुत स्पेसिफिक जगह है, बहुत ही लिमिटेड जगह है और आपको बॉर्डर भी इसके अंदर इंक्लूड करना है, तो बजाय कि आप खुद मैनुअली को कैलकुलेट करो आप ये लाइन ऐड कर सकते हो ताकि ये सारी चीज़ उसके अंदर ही कंसीडर हो। सो आई होप ये आपको बॉक्स मॉडलिंग कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज बहुत सारी वीडियो सीरीज के ऊपर, एचटीएमएल के ऊपर एंड बहुत ही फ्यूचर ऑसम कॉन्टेंट इज अबाउट टू कम, एंड मैं डेली डेव टॉक्स भी डालता हूँ। सो प्लीज consider subscribing to the channel and I will see you in the next video.